বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে পাথর ছোড়ার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল। যদিও বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষ দেখছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। মঙ্গলবার মালদায় অনুষ্ঠিত বিজেপির দলীয় বৈঠক ছাড়াও অন্যান্য কর্মসূচিতে যোগদান করতে বন্দে ভারত ট্রেনে চেপে সকাল 10:30টায় মালদায় আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল। এদিন বিজেপি দলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে মালদা টাউন স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন দলের বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা, ইংরেজবাজার পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর সুতপা মুখার্জি, দলের সাধারণ সম্পাদক তাপস গুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন মালদা টাউন স্টেশনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল বলেন, দেখো দেশ কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি ইস তরহ কি ট্রেন চালা কে দেশ কো প্রগতি কে মার্গ পর লেকে জানা চাহতে হ্যায়। अभी मैंने वंदे भारत ट्रेन में सफर करके मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे बगल में एक यात्री बैठे थे, वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लाजवाब ट्रेन है, सामने वाले से बात कर रहे थे। मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने मेरे सामने बैठे दो तीन लोगों से पूछा ये ट्रेन के बारे में आपका क्या कहना है। उन्होंने भी कहा कि हम पहली बार बैठे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा हमें यहाँ पे अनुभव आ रहा है कि जैसे फ्लाइट में सर्विस मिलती है उस तरह की सर्विस है। मैं तो अभी जब से 6 बजे चला वहाँ से और यहाँ 10:00 मेरे को लगता है 16 मिनट पे मैं उतरा, तो कम से कम 10-15 बार तो सफाई हुई और नाश्ता तो मिलता है, लेकिन आवाज़ भी नहीं आ रही अंदर। इतनी अच्छी ट्रेन देश के विकास में, प्रगति में, उन्नति में योगदान देने वाली है। देश के प्रधानमंत्री की ये सोच है मोदी जी की, और अगर कोई चाहता नहीं मोदी जी की ट्रेन यहाँ पे चले तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जो भी यात्री ट्रेन में थे सारे यात्रियों ने वहाँ पे मुझसे कहा कि ये बहुत अच्छी ट्रेन है, मोदी जी को धन्यवाद। মালদা থেকে পরিতোষ সরকারের রিপোর্ট, নিউজ টুডে।